बिहार विधानसभा चुनाव में सीटें कम आने के बाद से जेडीयू के संगठन में बड़ा फेरबदल किया जा रहा है। इसी फेरबदल के तहत मुजफ्फरपुर में जेडीयू के जिलाध्यक्ष रंजीत सहनी को पद से हटाए जाने की खबरें सामने आई। रंजीत सहनी को जिलाध्यक्ष पद से हटाने के बाद निषाद समाज ने जेडीयू के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। रंजीत सहनी को हटाकर जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को जिलाध्यक्ष बनाया है। अब इस फैसले के खिलाफ निषाद संघर्ष मोर्चा ने विरोध का ऐलान कर दिया है। निषाद समाज के नेताओं ने बैठक कर अपने गम और गुस्से का इजहार किया है। जेडीयू में जिला स्तर के निषाद नेताओं ने संगठन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं निषाद संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष महावीर सहनी ने बताया कि निषाद समाज के लोग काफी संख्या में जदयू से जुड़े हैं, लेकिन एक ईमानदार और अच्छी छवि के रंजीत साहनी को जदयू जिला अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद वो मायूस हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू के आलाकमान के फैसले के बाद अब निषाद समाज काफी दुखी है और खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। मैं मुजफ्फरपुर निषाद संघर्ष मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ और मुजफ्फरपुर का निषाद इस मोर्चा के तहत सब संगठित है और हम लोग समाज को संगठित करके उसके हित के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं। इसी संदर्भ में हमारे समाज से जदयू से जिला अध्यक्ष रंजीत सहनी को बनाया गया था, काफ़ी खुशी हुई और हमारे समाज के बहुत सारे लोग उनके क्रियाकलाप से उनके प्रभाव से जदयू से जुड़ा हुआ था, लेकिन हाल फिलहाल में अखबार में छपे बयान कि मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष जदयू पद से इनको हटाकर दूसरे को बनाया गया है, यह सुनकर बहुत दुख हुआ है और समाज में इसके लिए बहुत आक्रोश है और तकलीफ में है लोग कि दिन रात संगठन का काम करने वाले पार्टी का काम करने वाले लोग को हटा करके जदयू अच्छा नहीं किया है। वहीं विरोध जताने के लिए जेडीयू के सहकारिता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजकुमार सहनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। निषाद समाज मुजफ्फरपुर में एक पूरे बिहार में पहचान रखता है निषाद समाज मुजफ्फरपुर का, और नीतीश कुमार को इस विधानसभा चुनाव में 85% निषाद समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वोट भी दिया, चुनाव में हार हुई और मुजफ्फरपुर ज़िले के जो इससे पहले जिलाध्यक्ष थे रंजीत सहनी जी, उनके बारे में जो हम लोगों को पता चला और उनके बारे में बता दूं, मुजफ्फरपुर ज़िले में जितने जिलाध्यक्ष हुए हैं उन सब से हट के इन्होंने संगठन को पार्टी को ज़मीनी स्तर पर जाके इन्होंने मेहनत किया। चुनाव में हार हुई, इसके जिम्मेवार जिलाध्यक्ष नहीं थे, हमारे निषाद समाज का के साथ जो भी छोटा या बड़ा जो भी काम था उसको अच्छी तरह देखते थे, पार्टी को भी देखते थे। अब क्या लग रहा है? अब हम लोगों को यही लग रहा है कि हमारे समाज को नीतीश कुमार जी द्वारा उपेक्षित किया जा रहा है, अति पिछड़ा को उपेक्षित किया जा रहा है। इन्हीं सब बिंदुओं पर विचार से मैं राजकुमार सहनी पार्टी संगठन और पार्टी के पद से आज इस्तीफा दे रहा हूँ, जिला कमेटी भंग करने के साथ पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। मुजफ्फरपुर के चुनावी नतीजे तय करने में निषाद समाज की अहम भूमिका होती है, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद से ही नीतीश बाबू कुर्मी कोयरी भाईचारे को फिर से स्थापित करने की जुगत में हैं। इसी कड़ी में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष पद पर उमेश कुशवाहा को लाया गया तो मुजफ्फरपुर में भी जिलाध्यक्ष का पद मनोज कुशवाहा को दिया गया। लेकिन राजनीति में एक जाति को समेटने के चक्कर में दूसरी जाति नाराज हो जाती है। अब देखना होगा कि नाराज निषाद नेता जेडीयू छोड़ किस पार्टी का रुख करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।